नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष खत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हमारे पास एक पार्सल आ चुका है जिसमें है रेडमी के 20। जी हां, रेडमी के 20 हमने इसमें फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। तो जल्दी से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह का पीस हमें देखने को मिला है और इसकी कुछ खासियत और कुछ खामियों के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो इसे हम निकाल लेंगे इससे बाहर और ये है इसकी पैकिंग इस तरह की। तो इसे फिलहाल के लिए कर देते हैं साइड में और इसमें बॉक्स में देख लेते हैं और हमें क्या देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स में अगर बात की जाए तो इसकी प्राइस देख रखी है 21,999 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हमने जो फीस ऑर्डर किया है वो है 6GB + 64GB। जी हाँ, बिल्कुल 6GB + 64GB, क्योंकि इसमें दो तरह के मॉडल आते हैं जिसमें 6GB + 64GB और साथ ही साथ इसमें आता है 6GB + 128GB। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो इसमें जिस जो हमने ऑर्डर किया है वो है 6GB + 64GB। तो ये हमें पड़ा 21,999 रुपये में। अगर आप दूसरा वाला अगर स्मार्टफोन परचेज करना चाहें जिसकी कीमत होगी 23,999 और उसमें मिलेगा आपको 6GB + 128GB। जी हाँ बिल्कुल, तो ये कुछ इस तरह का पार्सल देखने को हमें मिल चुका है। अगर यहाँ पर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है रेडमी के 20। यहाँ पर ट्रिपल AI रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है, फ्रंट सेल्फी कैमरा भी है इसमें, प्रोसेसर AMOLED डिस्प्ले और बहुत सारी, ये देखिए यहाँ पर 6GB + 64GB का ऑप्शन देके रखा है। और इसमें कलर की बात की जाए तो इसमें जो अवेलेबल कलर है वो है ग्लेशियर ब्लू और एक्चुअल में कलर 3 अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं, कार्बन ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू और फ्लेमी रेड। 3 कलर आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जो भी परचेज करना चाहें ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं MI की साइट से, फ्लिपकार्ट से, जहां भी आपको उचित लगे। आगे की बात की जाए तो यहां पर इंडिया नंबर 1 का लोगो देके रखा है और 6GB RAM + 64GB ROM का ऑप्शन देके रखा है। ऊपर की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर MI का लोगो देख रखा है जिस पर लिख के रखा है Xiaomi। यहाँ पर फ़ोन का Redmi K20 का फोटो देख रखा है। इस साइड में कुछ भी नहीं है, इस साइड की बात की जाए तो कुछ इनके लोगो और Redmi K20 बाय Xiaomi मेंशन करके रखा है। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर और स्मार्टफोन में और इस बॉक्स में क्या क्या है MRP इसके ऊपर देख रखी है 22,999 रुपये और बाकी सारी डिटेल्स इस पर मेंशन की गई हैं। और ये देखिए जुलाई 2019 में मैन्युफैक्चर होकर रखा है और मेड इन इंडिया का लोगो देखने को मिल जाता है। और ये कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसे जल्दी से हम कर लेते हैं अनबॉक्स और निकाल देते हैं इससे बाहर ताकि हम देख पाएँ कि ये स्मार्टफोन किस तरह का वास्तव में लुक में किस तरह का देखने को मिल जाता है। तो इसे हम निकालेंगे बाहर। ये सबसे पहले हम इसे ये प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है जिसे हम खोल के देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल जाता है यहाँ पर और आगे की बात की जाए तो कुछ यूज़र गाइड है, वारंटी कार्ड है और ये हमें प्रोडक्ट यहाँ पर मिले हैं। और आगे की बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक केस देखने को मिल जाता है, ये हार्ड केस है, ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। देखिए तो इसे भी फिलहाल के लिए कर लेते हैं साइड में, आते हैं हमारे मेन प्रोडक्ट की ओर और देखते हैं कि वो किस तरह का है और कैसा नज़ारा है। ये है हमारा मेन प्रोडक्ट जो कि कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। फिलहाल के लिए इसे भी कर लेते हैं साइड में और देखते हैं उसमें क्या है। तो इसे हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिल जाता है। तो इसकी बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। चार्जिंग केबल की बात की जाए तो यहाँ पर एक सी पोर्ट केबल देखने को मिल जाती है और एडेप्टर की बात की जाए तो एडेप्टर का भी हम चेक कर लेंगे किस तरह का एडेप्टर इसमें देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर इसका मेंशन किया गया है, आउटपुट है 1.5 एम्पियर और इनपुट की बात की जाए तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है 0.5 एम्पियर का है। तो ये कुछ इस तरह का चार्जर भी हमें देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर। और ये हुई इसकी बात। अब आते हैं हमारे मेन कंटेंट की ओर, वो किस तरह का है और उसे भी अभी चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा मेन स्मार्टफोन जो कि बहुत ही बढ़िया लुक के साथ हमें देखने को मिल जाता है। जल्दी से इसे हम इसे निकाल लेते हैं इसे बाहर और देख लेते हैं कि किस तरह का स्मार्टफोन है ये। अरे वाह, क्या इसका लुक आ रहा है, काबिले तारीफ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगर आप देख पाएँ इसका कलर तो वाह क्या कलर है इसका। स्टिकर भी मैं निकाल देता हूँ आपके लिए ताकि क्या है कि नेचुरल कलर का आप आनंद ले पाएँ। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन, क्या चमक है इसके अंदर। और जैसे ये हिलता है स्मार्टफोन एक अलग सी लेयर बनती है। ये Xiaomi ने बहुत ही बढ़िया काम किया है इसके ऊपर। और यहाँ इसके पीछे की बात की जाए तो यहाँ पर Redmi मेंशन करके रखा है और साथ ही साथ लिख के रखा है डिज़ाइन बाय Xiaomi। फिजिकल ओवरव्यू की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखने को मिल जाता है इस तरफ राइट हैंड साइड में रेड कलर का पावर की, साथ ही साथ वॉल्यूम अप डाउन की। और नीचे की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एक स्पीकर, एक माइक और एक चार्जिंग पोर्ट और एक सिम ट्रे। जी हाँ, सिम ट्रे हम इसको निकाल कर बाहर देख लेते हैं और किस तरह के हैं सिम ट्रे। तो सिम ट्रे को हम जल्दी से इससे निकाल लेते हैं बाहर और देख लेते हैं कि सिम ट्रे किस तरह का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो सिम कार्ड लगेगा वो ड्यूल नैनो सिम कार्ड ही लग पाएगा, कोई इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का ऑप्शन फिलहाल अवेलेबल देखने को नहीं मिल जाता है। और ये दोनों ही 4G सपोर्टेबल सिम कार्ड लग जाएंगे इसके अंदर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा परचेज के वक्त कि आपको कौन से स्टोरेज वाला
लेना पड़ेगा स्मार्टफोन, क्योंकि इसमें माइक्रो एसडी कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हो गया नीचे की तरफ की बात। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस तरफ कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ बात की जाए तो यहाँ पर हमें एक सेकेंडरी माइक्रोफोन, 3.5 mm हेडफोन जैक और साथ ही साथ पॉपअप सेल्फी कैमरा जो यहाँ से निकलता है, और साथ ही साथ इसमें LED लाइटिंग यानी इसकी लाइटिंग देकर रखी है, वो भी इसमें नोटिफिकेशन पर ये गोल वाला सर्कल यहाँ पर आपको चमकता हुआ देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ की बात की जाए तो यहाँ पर हमें ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर इन तीनों के कैमरे की बात की जाए तो इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का जूम कैमरा है जिससे हम 2x जूम ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, और 13 मेगापिक्सल का है वो टेली फोटो लेंस यानी कि आप वाइल्ड एरिया कवर कर सकते हैं उसमें। तो ये कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें ड्यूल LED फ्लैश भी देके रखा है। और डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 6.39 इंच की डिस्प्ले फुल HD प्लस MOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो ये हो चुका है इसका फिजिकल ओवरव्यू। जल्दी से इसे बूट कर लेते हैं और चलते हैं इसके आगे। तो ये हमारा स्मार्टफोन हो चुका है ऑन, और जल्दी से चलते हैं इसकी सेटिंग्स के अंदर और हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी सेटिंग्स के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पर डिवाइस नेम की बात की जाए तो रेडमी देख रखा है और मॉडल नंबर है रेडमी K20। वर्जन आपको देख रखा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी पैच लेवल की बात की जाए तो 1/6/2019 का सिक्योरिटी पैच लेवल है। MIUI वर्जन की बात की जाए तो यहाँ पर ग्लोबल वर्जन 10.3.6 ट्रिपल वर्जन पर है, और साथ ही साथ मॉडल नंबर वगैरह मेंशन किया गया है। सीपीयू की बात की जाए यानी कि ऑक्टा का प्रोसेसर है। इस प्रोसेस की बात की जाए तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730 का प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है, जिसमें 8 कोर प्रोसेसर है, जिसमें 2 कोर तो होता है गोल्ड के इसमें फिलहाल लेवल पर, जो कि क्लॉक किए गए 2.2 GHz पर, और पीछे के जो 6 कोर हैं वो है सिल्वर कोर जिसे क्लॉक किया गया 1.8 GHz पर। तो ये है इसकी बात। और रैम की बात की जाए तो 6 GB की रैम इसमें देखने को मिल जाती है। इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो 64 GB में से हमें 52 के आसपास फर्स्ट बूट में अवेलेबल देखने को मिल जाती हैं। ये सारी डिटेल्स में आप चेक कर सकते हैं। और आगे की बात की जाए तो इसके डिस्प्ले की हम बात करें तो बेजल लेस डिस्प्ले है, बहुत ही बढ़िया, कोई इसमें नॉच देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही यूटिलाइज़ किया गया है पूरी डिस्प्ले को। और कैमरे की बात की जाए तो कैमरा यहाँ पर सेटअप किया गया है इस फुल HD प्लस डिस्प्ले MOLED, जो कि बहुत ही अच्छी लुक में देखने को मिल जाती है फिलहाल के लिए। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन इसमें फ्रंट और बैक दोनों में ही हमें देखने को मिल जाता है, ताकि सेफ्टी में भी बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। और बात करें इसके कैमरे की तो कैमरा कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी भरमार है, यहाँ देखिए अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो कि इस तरह से वर्क करेगा, ये 48 का पोर्ट्रेट, नाइट, बहुत सारे इसमें ऑप्शन देखे रखे हैं, पैरानोमा प्रो। तो फिलहाल इसको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात जरूर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस भी देखे रखे हैं, 2x जूम करना हो तो कुछ इस तरह का 2x जूम हो जाएगा, और ये अल्ट्रा वाइड कैमरा, जी हाँ। तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा हमें इसमें देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ बात की जाए तो LED फ्लैश का भी ऑप्शन है ऑन ऑफ करने का, HDR का, AI मोड और फिल्टर्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। वीडियो के अंदर चलते हैं, वीडियो की अगर बात की जाए तो हमें स्लो मोशन भी है और टाइमलेस भी है। और सेटिंग्स के अंदर चलते हैं कि ये कहाँ तक वीडियो सपोर्ट कर पाता है, जहाँ जी हाँ, ये अल्ट्रा HD 4K में 30 FPS पर वीडियो सपोर्ट कर पा रहा है फिलहाल के लिए। और बाकी की अगर बात करें तो स्लो मोशन में ये 960 FPS पर स्लो मोशन शूट कर सकता है। तो ये कुछ इस तरह की इसकी कैमरा की डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है। और जल्दी से चलते हैं इसके सेल्फी कैमरा की तरफ, जो कि सेल्फी कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, जी हाँ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। तो इससे हम स्टार्ट कर लेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह का देखने को नज़र हमें मिल जाता है, ये वीडियो, ये फोटो, कुछ इस तरह का क्लिक आएगा इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसे बंद कर रहे हैं और चालू कर रहे हैं, तो देखिए मैं कर रहा हूँ ऑन, आपको एक साउंड सुनाई देगी और लाइट भी, जी हाँ ये देखिए आप सुन पा रहे होंगे। तो जैसे हम सेल्फी को ऑन करते हैं तो ये पॉपअप कैमरा ओपन हो जाता है। ये देखिए मैं यहाँ सेल्फी ऑन कर रहा हूँ, ये देखिए ये ऑटोमेटिक ऑन हो चुका है। ये बहुत ही बढ़िया यूटिलाइज़ किया है इन्होंने पॉपअप कैमरे से, डिस्प्ले का पूरा ख्याल रखा है और डिस्प्ले को पूरा यूटिलाइज़ किया है बॉडी टू रेशियो में। और बाकी की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। और इसके सेंसर्स की बात की जाए तो लाइट सेंसर, एम्बिएंट सेंसर, जायस्कोप, बहुत सारे सेंसर इसमें जो जरूरी जरूरी वो सारे मिल जाते हैं। और एक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी यहाँ पर वो देखे नहीं रखा है जिससे AI ब्लास्टर, जिससे हम क्या है कि अपनी TV या AC को कंट्रोल कर पाएँ, जो कि Xiaomi की एक अच्छी बात थी, जो इसमें अवेलेबल वो सेंसर नहीं है। तो आगे की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह का लुक और डिस्प्ले इसमें देखने को हमें मिल जाता है। और हम फोन डायलर को भी खोल के देख लेते हैं, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा नज़ारा हमें। और जल्दी से चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और हम सेट कर लेते हैं इसका इन डिस्प्ले वाला ऑप्शन, फिंगरप्रिंट वाला, और साथ ही साथ फेस अनलॉक।
इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें है, जो कि यहाँ पर है, जिसे हम अभी सेटअप करने वाले हैं। तो इसे जल्दी से हम सेटअप कर लेंगे और उसके बाद हम देख पाएंगे कि इसका जो वर्क है वो प्रॉपर कैसे कर पा रहा है या नहीं। ये डन हो चुका है, ये देखिए। फिलहाल मैं करता हूँ इसे लॉक और करता हूँ ओपन। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, जी हाँ, बहुत ही फास्ट है। ये देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, लॉक किया, यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, लगाएंगे, खुल चुका है। बहुत ही बढ़िया फास्ट से एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, तो ये कुछ इस तरह का इसका नज़ारा देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन भी यहाँ पर अवेलेबल हमें देखने को मिल जाता है, जिससे हम चाहें तो ये नीचे वाले बटन को हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये नीचे वाले बटन है वो गायब हो चुके हैं, और वापस बटन लाना है आपको तो यहाँ पर बटन पर क्लिक लेंगे तो फिर वापस ये बटन आ जाएंगे। तो आप इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। जल्दी से इसे हम कर लेते हैं फेस अनलॉक को सेटअप। तो यहाँ पर हमने फेस अनलॉक भी सेटअप कर लिया है, जल्दी से मैं आपको इसे अनलॉक करके दिखाता हूँ। मैं इसे पावर की को दबा रहा हूँ, ये देखिए, और इसे स्वाइप अप करना पड़ेगा। ये देखिए अब ये लॉक खुला है, क्योंकि जैसे ये कैमरा बाहर आता है, पॉपअप होता है, उसके बाद ये लॉक खुल पाता है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, फिर इसको करना होगा स्वाइप अप। ये थोड़ा सा स्लो है, इसमें आपको टाइम लगेगा। अगर आपको अनलॉक करना है तो ये फिंगरप्रिंट वाला है बहुत ही फास्ट है मेरे हिसाब से, और अगर आपको फेस अनलॉक करना है तो फिर इसको स्वाइप अप कीजिए। कैमरा जब बाहर आएगा फिर प्रोसेस करेगा, फिर वापस अंदर जाएगा। कुछ इस तरह का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। अगर आपको ये पसंद हो कि आपको फेस अनलॉक ही रखना है तो फेस अनलॉक रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपनी फिंगर लगा के भी अपना स्मार्टफोन अनलॉक कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का हमें सारी डिटेल देखने को मिली है। जल्दी से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट बूट में हमें रैम देखने को मिली है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि फर्स्ट बूट में हमें 6 GB में से 3.6 GB अवेलेबल देखने को मिल चुकी है, और ये कुछ इस तरह का इसका नज़ारा आपको देखने को मिला है। और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन, बहुत ही बढ़िया लुक के साथ, और मेरे को ये लग रहा है कि थोड़ा सा प्राइस इसका हाई है, क्योंकि हाई इसलिए है क्योंकि जो Xiaomi ने इंडिया में अपना हाइप बना के रखा है, जो प्राइस रेंज में जो क्वालिटी दे रहे हैं, उस प्राइस रेंज को ये जस्टिफाई इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारी Xiaomi से बहुत ज़्यादा आस बढ़ चुकी है कि वो कम से कम प्राइस रेंज में बेहतर से बेहतर स्मार्टफोन हमें ला के पेश करेगा। तो इसी वजह से हमें ये थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है, बाकी कोई इशू इसमें फ़ोन में फ़िलहाल के लिए देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको इसके साथ जो केस अवेलेबल आया है उसके भी इसके ऊपर फिट करके देख लेता हूँ कि ये किस तरह का केस हमें देखने को मिला है और ये बॉडी पर किस तरह का देखने को लग जाता है। जी हाँ, ये ब्लैक कलर का केस है जो कि परफेक्ट फिटिंग के साथ है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए कोई इशू नहीं है, थोड़ा हार्ड केस है और प्रोटेक्ट कर रहा है चारों तरफ से स्मार्टफोन को, बहुत ही अच्छा है। पर मेरे को ये समझ नहीं आया कि हार्ड केस ब्लैक कलर का दिया तो फिर ब्लू कलर का नज़र हमें किस तरह से देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास कलर कोई भी हो पर ये बैक में ये अगर कवर लग गया तो सिर्फ एक ही कलर देखने को मिलेगा। तो देख लीजिए जो आपको उचित लगे, आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो आप इसे कवर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसका आनंद ही लेना है कलर का तो फिर आपको ये इसको निकालना पड़ेगा, और कलर का आनंद लेने के लिए आपको कुछ इस तरह से ही आपका जो फ़ोन है वो लेके घूमना पड़ेगा ताकि आप इसका कलर का आनंद ले पाएँ और दूसरे भी इसको देख के अट्रैक्ट हो पाएँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कलर है। जैसे ही इसको थोड़ा सा हल्का सा इस तरफ उस तरफ करते हैं तो बहुत ही बढ़िया इसका नज़र हमें देखने को मिलता है, बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है Xiaomi ने। जी हाँ, तो फिलहाल के लिए हमें प्रोटेक्ट करना है स्मार्टफोन को, इसलिए हम इसको लगा के ही रखेंगे ताकि हमारा स्मार्टफोन एकदम प्रोटेक्ट रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें एक लाइक दबाकर हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर आपको और भी हमारी मदद करनी है तो भाई की, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त फ्रेंड फैमिली के साथ और हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद अगर आप इसकी और भी कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।